अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अ पास्ट पेपर, लेटेस्ट पास्ट पेपर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट। ये 2022 का लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुआ है, ये एक पेपर है सिविल लॉ 1 का जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सिविल लॉ 1 का जो 2022 का पेपर है, आए हम देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, चूंकि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। वैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं जूम के ऊपर, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए, सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, ADPP, DDPP वगैरह के लिए, या फिर किसी भी लीगल एग्जाम के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आज का लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी में पास्ट पेपर्स आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए आप चाहे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी सीनियर के साथ अटैच हैं, चाहे आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं, पाकिस्तान की जिस एकेडमी में भी आप जाते हैं, तो आप पास्ट पेपर्स लाजमी सॉल्व करें, और पास्ट पेपर सॉल्व करके अपने सीनियर को, टीचर को, मेंटोर को, किसी को लाजमी चेक करवाएं और अपनी करेक्शंस करवाएं। जब तक आप पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करते, आपका जो है एग्जामिनेशन, अपने एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, आपकी रिटन एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसलिए पास्ट पेपर बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आपने ये मेरा लेक्चर सुनना है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन का पास्ट पेपर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गूगल जाएँ या लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट से, वहां से लाहौर हाई कोर्ट का जो 2022 के पेपर्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे, वो आप वहां से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उनका प्रिंट निकलवाएं, प्रिंट निकलवा के सामने रखें पेपर सिविल लॉ, क्योंकि हमने क्वेश्चन टू क्वेश्चन तरतीब के साथ हमने चलना है इंशाल्लाह। और आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए, आप सब लोगों की तैयारी के लिए आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पास्ट पेपर जो आपके हैं हार्ड कॉपी, उसका प्रिंट निकलवा के आपने अपने सामने रख लेना है। जब आप उसका प्रिंट निकलवा के अपने सामने रख लें, तो एक हाईलाइटर रख लें, एक पेंसिल रख लें, क्वेश्चन नंबर 1 में इधर से सॉल्व करूं, आपने उधर से टिक कर देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, जो लेटेस्ट 2022 के पेपर है। तो आए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा, मैं आपको यह बात बताऊँ कि ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको आप ड्यूरिंग द लेक्चर या फिर लेक्चर के बाद, इन पॉइंट्स को आप अगर नोट करना चाहते हैं अपनी डायरी पर, तो ये आपके बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। आपको किसी एकेडमी के नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि जब अपने हाथ से आप राइटिंग करते हैं, तो एग्जाम में भी आपने लिखना है, तो आपकी अपनी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपनी डायरी या कोई नोट पैड सामने रख लें, और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप भी लिखते जाएं, इसी की शॉर्ट नोट्स बना लें। एंड वाले दिन जब आपने एग्जामिनेशन में जाना है, उसी दिन आप इसकी रिवीजन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। जी जनाब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर 2022 पेपर सिविल लॉ 1, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां पर आपको बताया गया है कि कुछ फॉलोइंग, नीचे आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं छोटे छोटे, उनको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स, उन टॉपिक्स को आपने एक्सप्लेन करना है इन द लाइट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब है जो एक्ट आपको बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके रेलिवेंट प्रोविजंस, रेलिवेंट सेक्शंस के तहत आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एंड As well as judgment of Apex Court of Pakistan. Apex Court मतलब Superior Judiciary of Pakistan. High Court और Supreme Court की जो authorities हैं, उनके तनाजर में भी आपने इन जो तीन ये आपसे statements पूछी गई हैं, इनको आपने explain करना है। तो सबसे पहले सवाल की requirement आप देखा करें कि examiner आपसे चाहता क्या है। अब examiner की demand आपसे ये है कि ये तीनों points आपने explain करने हैं, लेकिन उसने दो डिमांड आपसे मांगी है कि तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करें। किसमें एक्सप्लेन करें, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की
जजमेंट्स के साथ। अगर आप ये दो काम नहीं करते, सिंपली एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपके अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, तो आपके 2 नंबर आएंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे, एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा, आपके पेपर को इग्नोर कर देगा, क्योंकि आपने जो 2 रिक्वायरमेंट्स थी, ना तो आपने रेलेवेंट प्रोविजन का जिक्र किया, ना आपने सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट का जिक्र किया आपने क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर की तो डिमांड ही आपने पूरी नहीं की। आजकल जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं लेटेस्ट 2017 से ऑनवर्ड अगर हम देखें, तो एग्जामिनर आप मोस्टली जो एग्जामिनर का ट्रेंड है वो प्रोविजंस और प्रोपोजिशंस टाइप क्वेश्चंस का बनता जा रहा है, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग का बनता जा रहा है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का बनता जा रहा है। अब वही लोग ज्यादा क्वालिफाई कर सकेंगे जिन्होंने या तो बहुत अच्छी तैयारी की है, पास पेपर सॉल्व किए हैं, और साथ साथ जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ, प्रैक्टिस भी करें और तैयारी भी करें। तैयारी तो बहुत मैटर करती है, और टीचर बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाने वाला किस तरह से पढ़ा रहा है, उसने आपकी तैयारी किस तरह से करवाई। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज वेल एज द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स के साथ। जी क्वेश्चन क्या है जी, बेलमेंट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इफेक्टिव बेलमेंट। अब आपसे ये सवाल पहला ये पूछा गया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इफेक्टिव बेलमेंट। अब इस क्वेश्चन को ये वैसे बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है, इस जुमले पे दोबारा गौर कीजिएगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इफेक्टिव बेलमेंट। ये जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन है बेलमेंट की, लेकिन एग्जामिनर के पूछने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है। अगर वो यहां पे सिंपल पूछ लेता कि व्हाट इज बेलमेंट या डिफाइन बेलमेंट, तो फिर भी यही बात ही थी, लेकिन उसने ये पूछ लिया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, एक बेलमेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, एक बेलमेंट बनती किस तरह से है, यह भी डेफिनेशन है, लेकिन पूछने का अंदाज बदल गया है, उसने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अब जो सिंपल स्टूडेंट हैं, जो मतलब जो घर बैठ के सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं, जिन्होंने कमेंट्री नहीं पढ़ी, जिन्होंने किसी टीचर से जाके पूछा नहीं है, जिन्होंने पास्ट पेपर सॉल्व नहीं किए, जिनको किसी ने बताया नहीं है, वो इस स्टेटमेंट को देख के घबरा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा है व्हाट इज बेलमेंट, डिफाइन बेलमेंट, उन्होंने सिंपल बेलमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, हालांकि डेफिनेशन उनको आती है, लेकिन वो पिक नहीं कर रहे बात को, कि ये जो बात पूछी जा रही है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इफेक्टिव बेलमेंट, तो ये भी तो डेफिनेशन ही है ना, ये डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसी स्टेटमेंट को तीसरी दफा एक और तरीके से मॉडिफाई करके भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फिर भी वही बात हो रही है, फिर भी डेफिनेशन ही पूछी जा रही है। तो एग्जामिनर आपको व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेलमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ बेलमेंट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इफेक्टिव बेलमेंट, ये सारी एक ही बातें हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ और लॉ के ऊपर आपकी ग्रिप है या नहीं। 70-20% स्टूडेंट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के घबरा जाएंगे और उसको छोड़ देंगे कि पता नहीं एग्जामिनर ने पूछा क्या है। इसलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आप तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते, आपकी लॉ के ऊपर ग्रिप नहीं है, आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाते। मैं आपको एक बात बता दूं, जो घर बैठ के तैयारी करते हैं ना सेल्फ रीडिंग, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की और लॉ को भी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ा ड्यूरिंग LLB, उनके लिए सेल्फ रीडिंग जस्ट एक न्यूज़पेपर की तरह है। जिस तरह इंग्लिश में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डॉन पढ़ लिया, दी न्यूज़ पढ़ लिया, नेशनल पढ़ लिया, समझ आई तो फिर भी ठीक है, ना समझ आई तो फिर भी ठीक है, और बाद में उसको साइड पे कर दिया। इसलिए सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी उन लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है, उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है जिन्होंने पहले किसी अच्छी जगह से तैयारी नहीं की, जिन्होंने लॉ को भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, जिन्होंने कमेंट्री भी नहीं पढ़ी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे टीचर के पास चले जाएं, स्पेशली वो वाले जो सेल्फ स्टडी करते हैं,
लेकिन अगर आप पहले किसी अच्छी एकेडमी में जा चुके हैं, ला भी आपने तवज्जो के साथ पढ़ा है, आप रिसर्च करने वाले बंदे हैं, दिलचस्पी के साथ हर चीज को ढूंढ लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तो फिर सेल्फ स्टडी आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है, अदरवाइज आपके लिए सेल्फ स्टडी इफेक्टिव नहीं हो सकती। अब आपने देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यहां पे एग्जामिनर आपसे वही बात पूछ रहा है कि व्हाट इज बेलमेंट, लेकिन पूछने का अंदाज थोड़ा सा मॉडिफाई था। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बेल किस तरह से कंप्लीट होती है, यानी बेलमेंट। अब सबसे पहले तो बेलमेंट है क्या, इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल अल्फाज में सबसे पहले बता देता हूं, जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई गुड, अपनी कोई चीज किसी को अपने मर्जी के साथ वॉलंटरली आप किसी को कोई चीज किसी के पास रख देते हैं, रखवा देते हैं, या आप उसको डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बेलमेंट। चाहे उसमें आपका कुछ लेना देना हो, कोई फायदा हो या कोई फायदा ना हो, दोनों सूरत हाल में इसको कहते हैं बेलमेंट। मिसाल के तौर पर आप अपने कपड़े दर्जी को दे के आ जाते हैं अपनी मर्जी के साथ कि जनाब मेरे ये वाले कपड़े जो रख लें और इसको स्टिच करके मुझे दे दें, ठीक है, ये भी एक बेलमेंट है। आप अपनी मोटरसाइकिल जो है या एक कार जो है आप रेंट पर देते हैं लोगों को अपनी मर्जी से, ये भी एक बेलमेंट है, ठीक है। आप अपनी बुक अपने दोस्त को दे देते हैं, ये आप पढ़ लो, पढ़ के मुझे वापस कर देना, ये भी एक बेलमेंट, लॉ ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपने अपने घर को ताला लगाया और आप अपने हमसाये को अपने घर की की दे के, चाबी दे के चले जाते हैं कि जब छोटा भाई आया तो उसको ये चाबी दे देना, आप उसकी आपने उसको चाबी डिलीवर कर दी साथ वाले घर को, हमसायों को, ये भी बेलमेंट है। इसकी जितनी भी आप इस पे क्रिएटिव थिंकिंग करें हजारों एग्जांपल्स बन सकती हैं, ठीक है। तो बेलमेंट क्या है जी, इन और अगर मैं यहां पर सिंपल डेफिनेशन लिखता तो सिंपल डेफिनेशन ये थी कि अपनी मर्जी से किसी को वॉलंटरली कोई चीज जो है गुड जो है वो डिलीवर कर देना फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जब तक वो पर्पस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक पर्पस कंप्लीट हो जाए फिर उसको उससे वापस ले लेना, ये है लॉ ऑफ बेलमेंट या बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब यहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। जब आपसे पूछा गया था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इफेक्टिव बेलमेंट, यहां पे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं बेलमेंट की, लेकिन चूंकि ये एडवांस लेवल का पेपर है, ये थोड़ी सी मैच्योर लेवल की स्टडी है, तो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जब आप डेफिनेशन की जगह पे सेम डेफिनेशन वाली बात करें, लेकिन आप वो बात कर दें जो किसी हायर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अथॉरिटीज में डेफिनेशन को इलेबोरेट किया गया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का पेपर है, ठीक है, अब यहां पर एग्जामिनर के माइंड के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा कि बच्चे ने सबसे पहले क्वेश्चन की सबसे टॉप पेज के ऊपर जो बेलमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया तो वहां उसने बड़ी खूबसूरत जो है जजमेंट के साथ बेल को डिफाइन किया। कैसी है डेफिनेशन, आए देखते हैं। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इफेक्टिव बेलमेंट इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ बेलर टू पुट द बेली इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। यहां पे दो बातें की गई हैं कि बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तब कंप्लीट होता है जब बेलर, यानी जो अपनी प्रोडक्ट जिसने देनी है वो बेलर है, जिसको देनी है, जिसने लेनी है वो बेली है। जब बेलर बेली को गुड्स की जो पोजेशन है वो ट्रांसफर कर देता है तो फिर बेल कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, इसको कहते हैं इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेलमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं बेलमेंट। अब इसको आप चाहे सिंपल अल्फाज में लिख लें, चाहे अपने अल्फाज में लिख लें, चाहे इसको आप इसकी अथॉरिटी के साथ मेंशन कर दें, तो सबसे जो बेस्ट मेथड है, जो इफेक्टिव मेथड है, वो ये है कि चूंकि मैच्योर लेवल की स्टडी है, जुडिशरी का पेपर है, तो आप अच्छे तरीके से अगर आपके पास कोई खूबसूरत जजमेंट है, इसके अलावा कोई लेटेस्ट जजमेंट है, वो भी मेंशन कर सकते हैं, तो आपका पहले पेज पे इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ गया। अब आपको इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं 2, 4, 5, 10 लाइनों में, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया जी, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली एंड बेलर, बेलीज और बेलर की ड्यूटीज क्या है। जब आप किसी को कोई चीज ट्रांसफर कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी को अपनी गाय दे देते हैं,
कि ये 2-3 महीने के लिए इसको संभालो, ठीक है, 2-3 महीने बाद मैं आपसे ये वापस ले लूंगा और इसके बस जो आपका खर्चा पानी बनता है वो आपको दे दूंगा। ये भी एक बेलमेंट है, ठीक है। अब यहां पर जो देने वाला है बेलर, उसकी कुछ राइट्स और ड्यूटीज हैं, कुछ जो बेली है लेने वाला है कुछ उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। जो लेने वाला है बेल, जो देने वाला है बेलर, जिसने अपनी प्रोडक्ट देनी है, अपनी कोई चीज देनी है, उसको कहते हैं बेलर। उसकी क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं हम देख लेते हैं, और उसके बाद बेली की भी राइट्स एंड ड्यूटीज देख लेते हैं अपने माइंड में। बस एक एग्जांपल आपने फिट कर लेनी है, उसी इतनी हजारों एग्जांपल्स हैं बेलमेंट की, कोई एक एग्जांपल फिट कर लें, उसके हिसाब से आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज सारी क्लियर हो जाएंगी और इजीली बिल्डिंग में आपको समझ भी आ जाएगी। ड्यूटीज ऑफ बेलर, अब जो बेलर है जिसने अपनी प्रोडक्ट देनी है उसकी ड्यूटी क्या है, सेक्शन 151 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स। अच्छा, एक तो उसकी ड्यूटी ये है कि जब वो अपनी कोई प्रोडक्ट दे, कोई चीज दे, मिसाल के तौर पर अगर कोई रेंट ए कार वाला जब अपनी गाड़ी देता है किसी को रेंट के ऊपर, तो ये भी एक बेलमेंट है, ये भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। लेकिन जब जो बेलर है, जो रेंट ए कार ओनर का मालिक है, उसको चाहिए कि जब गाड़ी अपनी रेंट पर दे तो रेंट पर जिसको दिए उसको सारे फॉल्ट्स जो उसकी गाड़ी के अंदर है वो बता दे, उसको सही बता दे कि भाई इसका इंजन कमजोर है, इसके टायर वीक हैं, ठीक है। अगर गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट है तो उसको बता दे कि ये इसका सस्पेंशन सिस्टम ठीक करने वाला है, ठीक है। बाद के ऊपर, बाद में दूसरे के ऊपर बात नहीं ठोंकनी कि जनाब तुम गाड़ी खराब करके ले आए। इसलिए जो बेलर है, जो देने वाला है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसकी प्रोडक्ट में, उसकी चीज में कोई फॉल्ट है तो वो पहले बताएगा, ठीक है जी। ड्यूटी टू डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज कर दे फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट है इन गुड्स बेल्ट, जो गुड्स बेल्ट की गई है बेलमेंट पर्पस के लिए, अगर उनमें कोई फॉल्ट है तो वो डिस्क्लोज करे। ड्यूटी नंबर दो, लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ बेलमेंट, अगर वो खुद ब्रीच करेगा बेलमेंट को तो लाइबिलिटी क्या होगी उसके ऊपर होगी। ड्यूटी नंबर थ्री, सेक्शन 158, टू बियर एक्सपेंसेस एंड रिस्क, अगर किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस, जो एडिशनल एक्सपेंसेस उसकी गाड़ी के ऊपर आ गए हैं, मिसाल के तौर पर अब कोई बंदा, जब आप किसी को अपनी कोई चीज दे देते हैं और उस बंदे की ड्यूटी बन जाती है अगले बंदे की, वो उसको सही तरीके से संभाल के रखे, उसकी हिफाजत करे, लेकिन हिफाजत करने के बावजूद अगर उसकी बदनीति के बावजूद अगर उस प्रोडक्ट को जिसके पास वो है उसके ऊपर कोई एडिशनल खर्चा आ जाता है, अगर आपने किसी को कोई जानवर दिया था हिफाजत के लिए दिया हुआ था, वो बीमार हो गया, उसने उसका इलाज करवाया है, तो उसके जो इलाज के पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, बेलर को देने पड़ेंगे, जिस जो ओरिजिनल मालिक था, ठीक है। लाइबिलिटी टू बियर एक्सपेंसेस एंड रिस्क, ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब अगर वो कोई जानवर बीमार हो जाता है तो बेलर की ये ड्यूटी है कि उसकी जो बीमारी का खर्चा है वो उठाएगा, और अगर उसकी कोई जिंदगी मौत का या उसका कोई रिस्क है तो वो भी बेलर उसको भी बेयर करेगा। ड्यूटी नंबर फोर, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बेली इन लॉस, अगर सपोज दैट कोई लॉस हो जाता है और उसमें बेली का कोई कसूर नहीं है तो फिर उसको क्या करेगा, इंडेमनिफाई करेगा, उसकी पेमेंट भी देगा। नंबर फाइव, ड्यूटी टू बेली ब्रेक गुड्स बैक गुड्स, ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स, और ये उसकी ड्यूटी भी है बेलर की कि जो चीजें उसने दी हैं वो अपनी चीजें वापस भी लेगा, ठीक है। ड्यूटीज, जो बेलर की ड्यूटीज है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहले में ये कहा गया है कि अगर उसकी जो चीज वो रेंट पे देना चाहता है, जो चीज वो अपनी किसी को डिलीवर करना चाहता है, कोई भी चीज अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो वो पहले फॉल्ट बताएगा। नंबर दो पे हमने बात की, अगर वो ब्रीच करता है तो लिबर्टी उसके ऊपर होगी। नंबर तीन पे हमने कहा कि अगर कोई एक्सपेंस आ गए, इस तरह के एक्सपेंसेस और रिस्क आ गए जिसमें बेली का कोई कसूर नहीं हुआ तो वो भी बेलर एक्सपेंस बियर करेगा। फिर हमने कहा कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि लॉस हो जाता है लेकिन बेली का कोई कसूर नहीं है तो फिर उसको इंडेमनिफाई करेगा।
और नंबर फाइव अपनी जो उसने चीजें दी उसको रिसीव करेगा, वापस बैक लेगा। तो ये ड्यूटीज ऑफ बेलर्स हैं। अब ड्यूटीज ऑफ बेली देख लेंगे, बेली की क्या जिम्मेदारी है। बेली जिसने चीज ली है, जो गाड़ी रेंट पे लेके जा रहा है, जिसको आपने अपनी गाय दी है, ठीक है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, आपकी चीज की हिफाजत करेगा। ड्यूटी नॉट टू डेविएट फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी गई हैं, जो बातें तय हो चुकी हैं, उनसे डेविएट नहीं होगा, मुनहरिफ नहीं होगा। लायबिलिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, आपकी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपने कहा है कि सिर्फ आपने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करनी है, तो किसी थर्ड पर्सन को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, आपकी जो गुड्स हैं, अगर कोई इजनास है, कोई लिक्विड है, कोई मेडिसन है, आप उसके पास रखी हुई है, ठीक है, तो वो अपनी आपकी उस चीज को, उस मिल्क हो सकता है, चीनी हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको अपनी आइटम के साथ मिक्स नहीं करेगा। अब मिक्सचर जो है, इसकी तीन कंडीशंस हो सकती हैं, मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात तो यह कि अगर मिक्स करेगा तो मालिक जो है, जो बेलर है, उसकी मर्जी के साथ मिक्स करेगा, मिक्सचर विद कंसेंट। या फिर दूसरी कंडीशन यह कि मिक्सचर विदाउट कंसेंट, अगर बेलर से पूछे बगैर मिक्सचर करता है तो उसके फिर आफ्टर फैक्ट्स का जिम्मेदार वो खुद होगा। मिक्सचर, तीसरी बात, मिक्सचर विद इट्स इनसेपरेबल गुड्स, अगर किसी ऐसी चीज में मिक्सचर कर देता है जो सेपरेट ही नहीं हो सकती, ठीक है, अगर उसको आपने जो है दूध दिया था और उसने पानी मिला दिया, आप दूध और पानी को सेपरेट ही नहीं कर सकते, या कोई ऐसी मेडिसिन थी उसने उसमें कोई तेजाब डाल दिया, उन दोनों चीजों को, लिक्विड्स को बाद में सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल होगा ना। अगर आपने उससे पूछे बगैर उसने इनसेपर कर दिया, तो उसके भी जो लॉस या रिस्क है, उसका जिम्मेदार भी वो खुद होगा। तो ये ड्यूटीज हैं बेलर की, ये हैं ड्यूटीज बेली की। इसी तरह से इनके दोनों के राइट्स भी हैं। अब बेलर के क्या राइट्स हैं? जिसने अपनी गाड़ी दी है, जो ओनर है, उसका राइट क्या है? राइट टू कंपनसेशन, ठीक है। अगर गाड़ी का जानबूझ के उसने कोई नुकसान कर दिया बेली ने, तो फिर ये इसको कंपनसेशन लेने का ये हकदार है बेलर। राइट ऑफ रिम्यूनरेशन, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि मैं आपको कार के बदले पैसे लूंगा, शाम तक आप रेंट पे ले जाओ तो 2000 रुपए किराया, तो वो भी लेगा। राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, किसी टाइम भी वो बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है। राइट टू सू, अगर उसका कोई नुकसान हो गया तो वो बेली को अदालत में केस कर सकता है। राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स, वो अपनी चीजें वापस लेने के मुतालबा कर सकता है। तो बेलीज की क्या राइट्स हो सकते हैं? बेली का राइट है राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर डैमेजेस हो गया, लॉस हो गया और उसमें बेली का कोई कसूर नहीं था, तो वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ गए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने जो प्रोडक्ट उसको दी, या कोई जानवर दिया, या कोई चीज ऐसी दी जिसके ऊपर खर्चा आ गया, अब उसका अपना कोई कसूर नहीं था, लेकिन खर्चा वक्त की जरूरत थी, एमरजेंसी थी, तो वो अपने पैसे एक्सपेंस रिकवर करवा सकता है आपसे। राइट टू डिलीवर गुड्स इन केस ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जुमे वाले दिन आपने मुझे चीज वापस करनी है, ये उसका राइट है वापस कर दे। राइट टू रिटर्न गुड्स, वो आपकी चीजें वापस करेगा। राइट टू लाइन, लियन का मतलब ये होता है कि अगर आपने उससे कुछ लेना देना है, अगर वो कहता है कि मेरे इसके ऊपर मेरा 10,000 खर्चा है, वो खर्चा दे दो तो आपकी चीजें वापस करता हूँ, और अगर आप खर्चा नहीं देते तो वो लियन में चीजें रख सकता है। लियन का मतलब होता है तब तक रिटर्न नहीं करता जब तक आप उसके पेमेंट डैमेजेस वगैरह नहीं दे सकते। तो ये जनाबे वाली बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। और तीसरे नंबर पे उसने आपसे पूछा है whether and when belly is bound to deliver the bailer any increase of any profit, increase of any profit which may have accrued for goods bailed, ठीक है जी। आपने उसको मिसाल के तौर पर एक गाय दी थी, अब जब गाय उसके पास चली गई तो एक महीने बाद गाय ने क्या कर दिया, एक बिछड़ा पैदा कर दिया, एक बच्चा गाय ने दे दिया, गाय का जो बच्चा है, तो अब क्या होगा, अब तो वो डबल हो गया, अब तो प्रॉफिटेबल काम हो गया। अब जो बेली है वो बाउंड है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो ओरिजिनल है, ये उसके साथ जो उसको इजाफी कुछ आ गया है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो आपको बच्चे समेत गाय वापस करे। बेली इज बाउंड, ये आपसे पूछा जा रहा है।
अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इन द ये इसको सेक्शन 173 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी, अगर तो कोई बात कंट्रेरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो आपने कुछ शर्त शरायत पहले लिख डाली है, अगर तो पहले लिख डाली है तो फिर वो इसके कॉन्ट्रेरी हो जाएंगे। अगर आपने पहले लिख के दे दिया कि अगर गाय का बच्चा तुम्हारे पास पैदा हुआ तो तुम्हारा, फिर नहीं ले सकते। लेकिन अगर कंट्रेरी में कुछ लिख के नहीं दिया हुआ, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर क्या होगा, बेली इज बाउंड, तो फिर बेली बाउंड होता है। बेली मतलब जिसके पास आपने चीज रखवाई हुई है, जिसको दी हुई है। बेली इज बाउंड टू डिलीवर द बेलर एनी इंक्रीज ऑफ एनी प्रॉफिट विच मे अक्रूड फ्रॉम गुड्स बेल्ड। जो आपने चीज उसको बेलमेंट के लिए दी हुई थी, अगर उसमें इजाफा हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो वो आपको इजाफे के साथ आपकी वो चीज, आपकी गुड्स वापस करने का पाबंद है। इस सेक्शन को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये आज का आपका एक क्वेश्चन था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। सबसे पहले तो आपने ये समझा था कि बेलमेंट है क्या। बेलमेंट के बाद आपने देखा कि एक स्टेटमेंट उसने दे दी जो कि डेफिनेशन की स्टेटमेंट थी, उसने मॉडिफाई करके 5-6 दफा घुमा के वो पूछ सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने देखना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूट इफेक्टिव बेलमेंट, ये बेलमेंट की डेफिनेशन थी। बेलमेंट इफेक्टिव उस टाइम होती है जब बेलर जो है बेली को गुड्स की डिलीवरी कर देता है, गुड्स डिलीवर कर देता है, ठीक है। बेलर जब गुड्स की जो है डिलीवरी वो कंप्लीट कर दे, गुड डिलीवर हो जाए, तो फिर बेलमेंट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज हमने देखी, और फिर हमने देखा कि अगर कोई इजाफी हो जाए साथ चीज, तो क्या वो बाउंड है बेलर, तो यस ही इज बाउंड अंडर सेक्शन 163। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द पास्ट पेपर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ग्रेड 20 स्केल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इंशाल्लाह बाकी के पास्ट पेपर भी हम सिविल लॉ के, क्रिमिनल लॉ के तमाम सब्जेक्ट्स के इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई गाइडेंस आपने लेनी है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313-0313-795-0086। इस पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ 0313-795-0086। ये जॉन का नंबर है और इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर आकर रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, वॉइस एसएमएस कर दें। और अगर आप हमारा एक रेगुलर टेस्ट सेशन भी चलता है, तो अगर आप रिपीटर हैं तो आप जस्ट टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने फ्रेश तैयारी करनी है, तो आप जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं सिविल जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जूम के ऊपर होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है, रिसर्च बेस्ड डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, और आप लोगों के लॉ एंड जुडिशरी के जितने टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट आपको 100% थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों तरीकों से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करवाए जाते हैं, पास्ट पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं, नोट्स बना के भी ये दिए जाते हैं, कुछ नोट्स बना के आपको हम देंगे और कुछ नोट्स आपने खुद बनाने होते हैं, और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी है, हम आपके पेपर चेक भी करते हैं, सब कुछ है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हाजिर होंगे। अगर आपके माइंड में कुछ सजेशन है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।